उनसे बड़े दशहरे में लेडीज वाइन बनाया है मैंने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी दिव्या थापा एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। सो गाइस, तो अभी मतलब सुबह इतना हेक्टिक हो जाता है ना, रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिलता। काम करो या रिकॉर्ड करो, दोनों में से एक चॉइस हो जाता है कि क्या करो बोल के। तो फटाफट हमने काम हम कर लिया है और उसके बाद अब फटाफट रेडी होना है और हम घर में यहाँ पे टीका लगाएंगे मम्मी पापा, फिर उसके बाद फिर हम पुराने घर जाएंगे। आप लोग को पता ही है कि हम जितने भी फेस्टिवल जो भी होता है हम पुराने घर में मनाते हैं। पुराने घर में हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब आते हैं, फिर वहीं पे होगा, बड़े होंगे वो सब हमको टीका लगाएंगे। यहाँ पे चावल का और यहाँ पे वो जो जमारा बोलते हैं ना, हरियाली जो नवरात्र के समय में हमने उगाया था वो यहाँ पे। तो आप बने रहिएगा गाइस, मेरे फुल ब्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को, स्टे ट्यून्ड। तो फटाफट रेडी होते हैं, तो मिलते हैं यहीं पर या तो फिर पुराने घर में। ये जमारा जो कि नेपाली में हम जमारा बोलते हैं और हिंदी में हम इसको हरियाली बोलते हैं। तो नवरात्र के टाइम में जो मतलब छिड़का था ना जौ, तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा निकला हुआ है जमारा, एकदम हरा हरा निकला हुआ है। और इसको मैंने ऐसे बांध के रखा हुआ है, ऐसे बांध के रखा हुआ है। तो इसको हम जब टीका लगाएंगे उसके बाद कान में लगाएंगे। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलम तनोहरि, बोलो दुर्गे भवानी की सिया राम की जय। अब टीका लगा। ये दशरथे शत्रु है राघवे, तो एक पाली मांगा शत्रु है राघव ऐश्वर्य से गति पवन सानंच दुर्योधने, ऐश्वर्य से गति पवन सानंच दुर्योधने। हाय ऐसा फर्क क्यों, दानम सूर्य सुते बलम हल धरे सत्यम न तलाना बलम बलम हल धरे सत्यम च कुंती सुते विज्ञान विदुरे भवंती भव नारायणी नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी। ला यो श्री राम भगवान को दुर्गा माता को आशीर्वाद को जमरा हो जू गर्या ना लक्षित बेटाले गर्यो जु गरिस बाजेलाई। ल भाग्यमान खुब पढ्ने ल आउ बस। जय माता दी, जय जयंती मंगला काली काली जय माता दी, जय दुर्गे भवानी, जय श्री राम।
तनु जी तेरा खड़ा हो चलो हैप्पी दसई पक्का बाजा नहीं पहले रे भाई कंफर्म करो हैप्पी दसई अच्छा यहाँ पे नहीं हैप्पी दसई इसका क्या करोगे आप चिप्स खाऊंगा चिप्स खाओगे इतने ज्यादा का चिप्स खाओगे 500 का इधर आओ पहले मैं हूँ सबसे छोटी कंची बना सेकंड कंची शुरू से मैं सबसे छोटी मैं पांचवे नंबर की हूँ मैं छोटी मैं उनसे बड़ी हूँ मैं सबसे बड़ी मैं हूँ दूसरे नंबर की बाउज मैं हूँ दूसरे नंबर में अच्छा ये क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है पकौड़ी आलू पहुँचा नहीं बैंगन ये हमारे दशहरे में लेडीज वाइन बनाया है मैंने ये बनाया है कुलुम का और ये हमारा छांग है छांग बोलो अब राक्षी भी लंच कर नहीं लुटाओ को मैं रख दी आज मैं गाना बजा नहीं अबे क्यों ची पकड़ा है तू हां गए हमरा और इसके लिए तो भाई शीशा का गिलास चाहिए ये डिस्पोजल में खाना टेबल के टेबल छे ना नो टेबल में ठीक है सर अरे माइला जेठ भरत आए छे ना वही जानी हो अच्छा अच्छा ओ ये
कस्तो भयो दिदी मिठो भयो ha ha ha
खाना सर्व, स्नैक्स तो हमने खा चुका और अब खाना सर्व कर रहे हैं ना। तो आज मासू भी बना था, मतलब मीट, और यहाँ पे सब लाइन से यहाँ बाहर ही आज बैठे हुए हैं और सब लाइन में यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, दशहरा का खाना। ओह माय गॉड, आप लोग को पता ही है कि हम लोग जो भी फेस्टिवल होता है हर फेस्टिवल पुराने घर में मनाते हैं। तो अभी सब लोग आ चुके हैं और स्नैक्स तो खा चुका और अभी खाना सर्व करके मैं आई हूँ। मतलब सभी लोग मिलके खाना बनाते हैं और फिर सभी लोग एक साथ खाना भी खाते हैं, अरे नहीं सर्व करते। तो अभी पूरे लोग अभी भी नहीं आए हैं, अभी सिर्फ आधी जन आए हैं। तो आधी जन को तो पूरा खाना वाना खिला चुका है, फिर बीच बीच में डांस भी कर रहे, बात भी कर रहे, वैसे कुछ हो रहा है। तो आज दशहरा था तो मैंने सोचा कुछ अच्छा पहनती हूँ बोलकर, इसलिए मैंने ये पहना। तो कैसी लग रही हो गाइज, प्लीज़ कमेंट डाउन। और नीचे से पूरी सारी गंदी हो चुकी है क्योंकि अब घर में काम करते वक्त हील तो नहीं पहन सकते ना साड़ी में। ये देखो चप्पल पहना है, कहाँ गया चप्पल, दिख रहा है चप्पल पहना है, नीचे पूरी साड़ी गंदी हो गई है। अब इसको ड्राई क्लीन में देना होगा। सो यह गाइस, तो अभी आधी जन आ चुके हैं, अभी आधी जन और आना बाकी है। तो फिर उनको भी खाना वाना देंगे, सर्व करेंगे और इसके बाद फिर से डांस होगा, मुझे लग रहा है डांस होगा। मम्मी तो पूरी डेक वेक भी लेके आई है, तो बीच इसमें डांस भी हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, रमेलो हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आप लोग को भी अच्छा लगेगा होगा कि मेरा दशहरा ब्लॉग।